तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी ब्लॉगर फिजा की प्यारी सी फ्रेंड और मेरा नाम है इक्कू। अक्सर कमेंट सेक्शन में आपने मुझे देखा होगा, इक्कू चौधरी के नाम से मेरा अकाउंट है। खैर मैं तो कुछ पोस्ट नहीं करती। ये है मेरी क्लास और मैं भी पीजी की ही टीचर हूँ। अगर किसी ने पढ़ना हो ना तो आ सकते हैं मेरे पास। वैसे चेयर्स कम है मेरी क्लास में, लेकिन चले मैं एडजस्ट कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दी फिजुमेंस वर्ल्ड। आज है सैटरडे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपना स्कूल दिखाऊं सारा अंदर से कि कैसा है। और वैसे भी मैं फ्री होता हूँ सैटरडे वाले दिन। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए क्योंकि मैंने जाना है बाई वॉक, तो फिर देर हो जाएगी। तो मिलते हैं स्कूल जाकर। जैसा कि मैंने कहा था कि स्कूल पहुंच कर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मैं स्कूल आ चुकी हूँ। ये है एंट्रेंस मेन, यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है। अब आगे जाते हैं, ये रहा प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब कि यहाँ से भी एंट्रेंस है, अंदर से भी एंट्रेंस है सारी। और ये रहा बस यहाँ पे थोड़ा सा ने किया हुआ स्टार्ट, मतलब कि ग्रास वगैरह लगाया हुआ है, थोड़ा सा इसको नीट शीट कर रहे हैं। और आती है आ गया बच्चों का प्लेग्राउंड, ये भी यहाँ पर एक क्लास है। और स्कूल तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सा है बिल्कुल के हमारी। हाँ, और ये थोड़ा सा बच्चों का प्लेइंग एरिया बना हुआ, स्लाइड स्लाइड लगी हुई यहाँ पर। वो रही सामने टक शॉप, और ये सारा है प्लेइंग ग्राउंड। और ये टक शॉप है तो बिल्कुल छोटे से, लेकिन गुजारा चल जाता है। और ये लगे हुए सर दख्त शख्स लगे हुए हैं, लेकिन ये कि बहुत गंजे कर दिए सारे सारे कार्ड शर्ट दिए, मतलब कि थोड़ा सा न्यू शूज लगने वाला कुछ। और आगे यहाँ भी कुछ लग रहा है, मतलब कि पहले यहाँ पर सारी मिट्टी शिट्टी डाली हुई थी, अब सारी मतलब कि इसको भी ग्रास वगैरह रख दी हैं। और आगे यहाँ पे जो न्यू कैंटीन शंटीन बन रही है, कोई बड़ी छड़ी तगड़ी छगड़ी कैंटीन बन रही है यहाँ पे सारा काम शाम चल रहा है। अभी थोड़ा सा हाल शायद बुरा हुआ है स्कूल का, मतलब कि ये यहाँ पे भी यहाँ पे बनाई है स्टेज वगैरह। यहाँ पर स्टेज के ऊपर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता तो होगा आपको, शोर वगैरह इतना आ रहा होगा, जाते हैं तेज तेज ये सारा ऊपर का एरिया है। और यहाँ से ये सारी सीनियर्स क्लासेस हैं। और चलते हैं लाइब्रेरी, दिखाती हूँ आपको। लाइब्रेरी है यहाँ पर, इसका तो हुलिया ही चेंज हो गया लाइब्रेरी का सारा, पहले तो अच्छी खासी थी, अब तो पता नहीं क्या बना देते हैं। टाइम बाद ऊपर के पोर्शन में आई हूँ। यहाँ पर सारे पढ़े नॉवेल्स वगैरह पढ़े होते हैं, कि मैंने कभी भी नॉवेल्स पढ़े, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन एक बचपन में मैं बहुत पढ़ती थी, रीडिंग वाली बुक्स बहुत पढ़ा करती थी, जिसमें थोड़ी सारी स्टोरीज वगैरह, लेकिन अब बिल्कुल भी शौक नहीं रहा। रूम्स वगैरह थे यहाँ पर, सब तोड़ छोड़ के बनाए हुए हैं, वॉशरूम है यहाँ पर। और यहाँ पर रूम्स वगैरह बन रहे हैं पहले पोर्शन में, मतलब कि पहले नहीं थे लेकिन अब बना रहे हैं। और ये आ गया ऊपर सीनियर पोर्शन, यहाँ पर ये ऊपर से रास्ता अंदर निकाला हुआ है। ये यहाँ पर आ गया टेरिस, मतलब कि वहाँ से हम निकले तो यहाँ पर टेरिस है सारा, क्लास बनी है यहाँ पर, भी एक दो क्लासेस बनी हुई हैं। और यहाँ पे सारा मतलब कि नीचे सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, नीचे से मतलब ऊपर से खड़े होकर सारा नीचे से देख रहे हैं हम। यहाँ पे लगे हैं मतलब कि पेंटिंग शेंटिंग हुई हुई है सारी। वो ये जिस स्कूल के सामने का देखें व्यू ज़रा, आस पास सारे स्कूल्स बने हुए हैं, मतलब कि स्कूल के साथ आगे भी तीन चार स्कूल्स बने हुए हैं सारे। ये सारा है नीचे रिसेप्शन एरिया, मतलब कि यहाँ से रिसेप्शन वगैरह आ जाए, यहाँ से सारा बाहर जाने का। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी ब्लॉगर फिजा की प्यारी सी फ्रेंड और मेरा नाम है इक्कू। अक्सर कमेंट सेक्शन में आपने मुझे देखा होगा, इक्कू चौधरी के नाम से मेरा अकाउंट है। खैर मैं तो कुछ पोस्ट नहीं करती। ये है मेरी क्लास और मैं भी पीजी की ही टीचर हूँ। मैं भी स्कूल से आई हूँ घर, तो ये था मेरा स्कूल, तो मैंने आज के ब्लॉग में दिखाया, मतलब कि अभी तो पूरा उन्होंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को, मतलब कि काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो क्योंकि काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने तोड़ी फोड़ी हैं, वो सेट वगैरह करते वहाँ पे जाने भी नहीं देते ना, आगे पीछे के काम हो रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर से मेन मन दिखाया सारा। और बाकी के कुछ क्लासेस तो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जैसे साइंस लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी, तो वहाँ पे तो स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाई, मतलब मैं दिखा नहीं पाई, क्लास ले थे स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता कि जाके मैं इनका ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। तो ये कि जब पूरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि दोबारा से सब कुछ जब रीसेट हो जाएगा, सब कुछ एक क्लियर साफ, तो मैं इन दोबारा ब्लॉग बनाऊँगी। तो इसी क्लास इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा स्कूल अच्छा लगा होगा। खैर मेरा तो स्कूल नहीं है, लेकिन ये कि मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे, तो वो स्कूल कहने में मेरा ही हो गया।